परम पूजनीय साध्वी जी को सादर वंदन। महर्षि बागभट्ट जी के सूत्रों पर जो पिछले चार दिनों से चर्चा हो रही है, उन सूत्रों में आज मैं आपसे चिकित्सा विषय की बात शुरू करूंगा। मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि महर्षि बागभट्ट कहते हैं कि जिंदगी में 85% बीमारियों को हर व्यक्ति स्वयं ठीक कर सकता है। तो अब तक जो मैं बात कर रहा था कल तक, वो 85% वाला हिस्सा था। इसमें से आपको कोई भी बात ऐसी नहीं लगी होगी जो किसी विशेषज्ञ की मदद से करनी पड़े। अब तक मैंने जितना भी आपको बताया है वो सब इतनी सरल और सहज बातें हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं। आज मैं आपको 15% वाले हिस्से की बात करूंगा, जो बचा हुआ 15% हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है, वो वाली बात आपसे शुरू करूंगा। लेकिन आज आप महसूस करेंगे व्याख्यान खत्म होने के बाद कि अरे, ये 15% भी हम कर सकते हैं। बागभट्ट जी की यही खूबी है, वो ये मानते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति विशेषज्ञ होता हो सकता है। और वो ये भी एक जगह लिखते हैं कि मैं अकेला बागभट्ट नहीं, मेरे बाद और भी हो सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भी अपने शरीर का सूक्ष्म अवलोकन कर सके, ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे, वो सभी विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो विशेषज्ञ चिकित्सा के स्तर पर आज मैं उनका एक अध्याय आपके सामने लेता हूं। ऐसे उन्होंने लगभग 40 से ज्यादा अध्याय लिखे हैं, उसमें से एक मैं शुरू करता हूं। बागभट्ट जी ये कहते हैं कि जब विशेषज्ञ चिकित्सा की बात आए, गंभीर रोग जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, तो इसमें वो कहते हैं कि भगवान ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि विशेष गंभीर रोगों की चिकित्सा भी आप बहुत आसानी से, सहजता से कर सके। उसमें से उन्होंने एक जगह लिखा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में ऐसी कई चीजें हैं जो एक साथ वात, पित्त और कफ तीनों को ठीक करने की शक्ति रखती है। एक साथ बहुत कम चीजें ऐसी हैं प्रकृति में जो वात, पित्त, कफ तीनों को एक साथ ठीक रखें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वात को अच्छा रखेंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पित्त को अच्छा रखेंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कफ को अच्छा रखेंगी। वात को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में है वो है तेल। तेल, तेल वो जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं, तेल वो जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज वो बोलते हैं कि तेल है, जो वात को हमेशा समभाव में रखता है, समानता में रखता है, वात को बढ़ने नहीं देता। लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल। अब ये शुद्ध तेल उन्होंने लिखा 3500 साल पहले। आज के विश्लेषण में अगर हम ध्यान दें तो शुद्ध तेल का माने तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल, कोई भी मशीन से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, उसमें कुछ नहीं मिलाया, मतलब नॉन रिफाइंड तेल, नॉन रिफाइंड तेल। अगर आप तेल खा रहे हैं तो बागभट्ट जी का निवेदन है कि आप तेल शुद्ध खाइए, माने रिफाइंड तेल मत खाइए, डबल रिफाइंड तेल मत खाइए। अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं, डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि रिफाइंड खाओ, डबल रिफाइंड खाओ तो आपको हृदय घात नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। ये जो रिफाइंड तेल है, मैंने इनको देखा है कैसे रिफाइंड किया जाता है, आप भी देख लें, कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी तेल को रिफाइंड करने में 6 से 7 केमिकल इस्तेमाल होते हैं और डबल रिफाइंड करने में 12 से 13 केमिकल इस्तेमाल होते हैं। वो सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोगशाला में, भगवान का बनाया हुआ एक भी केमिकल तेल को रिफाइंड नहीं कर सकता। भगवान का बनाया हुआ माने प्रकृति का दिया हुआ, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक भी केमिकल नहीं है जो तेल को साफ कर सके, एक भी केमिकल दुनिया में नहीं। जितने भी केमिकल तेल को साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो सब इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक केमिकल ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जहर की तरफ ही लेके जाता है। आज की दुनिया में मॉडर्निज्म के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर जितने इनऑर्गेनिक केमिकल्स जगह जगह इस्तेमाल हो रहे हैं,
वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें। इसलिए रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल गलती से भी मत खाइए। भागवत जी कहते हैं कि जिंदगी भर वात को ठीक रखना है, जिंदगी भर। तो वात को ठीक रखने के लिए सबसे सरल चिकित्सा वो बोलते हैं वो तेल का ही है। वो कहते हैं शुद्ध तेल खाइए। शुद्ध तेल माने घानी से निकाला हुआ तेल। अब आपके मन में दो प्रश्न आएंगे तुरंत कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है। हाँ, सीधा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आएगा, जी शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, और बास अलग से आती है। हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर भारत देश के कुछ वैज्ञानिकों की मदद से काम किया, एक तरह से कहे रिसर्च किया, तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तेल में बहुत कुछ होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया ना, मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, ऐसे तेल में भी है, हर चीज में है। तो तेल का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो उसका चिपचिपापन ही है। और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपापन निकाला तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा। तेल जिस चीज के लिए खाया जाता है वो बचा ही नहीं, वो हिस्सा ही गायब हो गया। फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है, बास वो उसका प्रोटीन कंटेंट है। तेल में प्रोटीन बहुत है। जैसे आपने सुना है दालों में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा है, भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ। दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज्यादा है वो तेलों में है। तो आप जो तेल में देख रहे हैं कि उसकी बास है, वो बास जो है ना उसका ऑर्गेनिक कंटेंट है प्रोटीन के लिए। चार पांच तरह के प्रोटीन है सभी तेलों में। आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है। अब बास निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया, और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी एसिड है वो गायब। अब ये दोनों ही चीजें गायब हो गई तो तेल नहीं रहा, वो पानी है एक तरह से। इसलिए भागवत जी ने सूत्र लिखा कि जिंदगी भर वात की चिकित्सा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बेहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं, तो वात की चिकित्सा ही ना करनी पड़े। और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोग वात के ही हैं, सबसे ज्यादा रोग। ये घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना, हड्डियों में दर्द, ये वात के तो रोग है ही। सबसे खतरनाक वात का रोग है हार्ट अटैक, हृदयघात। सबसे खतरनाक वात का रोग है पैरालिसिस। सबसे खतरनाक वात का रोग है ब्रेन का डैमेज हो जाना। तो ये खराब से खराब जो रोग आपकी जिंदगी में है, इनमें वात के खत्म हो जाने की या वात के पूरी तरह से बिगड़ जाने की भूमिका सबसे बड़ी है। फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड तेल कब से आए। आज से 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड तेल क्या होता है। ये पिछले 20-25 वर्षों में आए हैं रिफाइंड तेल। कुछ कंपनियां निकली इस देश में, कुछ विदेशों से आई, कुछ हिंदुस्तानी कंपनियां, दोनों ने मिलकर रिफाइंड तेल का चक्कर चलाया। रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा, किसी ने माना नहीं, तो डॉक्टरों से कहलवाया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कहलवाया। जो डॉक्टर अपने मरीजों को कहते हैं कि भैया तेल हमेशा रिफाइंड ही खाना, ये वाला तेल लाना, वो वाला तेल लाना, अलग अलग ब्रांड के है ना, सफोला ले आना, सनफ्लावर ले आना, ये ले आना, वो ले आना, इन डॉक्टरों के साथ मैंने जब वार्ताएं करना शुरू किया, खासकर बंबई के कुछ डॉक्टरों को, जो हर समय ये प्रेस्क्रिप्शन के साथ कहना नहीं भूलते कि तेल सफोला का ही खाना या तेल ये ही खाना, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सफोला से आपका क्या रिश्ता है, जो आप हर मरीज को कहते हैं तेल सफोला का ही खाना, ये क्यों नहीं कहते तेल तिल का ही खाना, ये क्यों नहीं कहते तेल नारियल का ही खाना, ये क्यों नहीं कहते तेल मूंगफली का ही खाना, ये सफोला कहां से आ गया। हमारे यहां तो नारियल का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, तिल का तेल होता है, सफोला का तेल ये हिंदुस्तान का। तो वो डॉक्टर तो नहीं बताते, लेकिन उनकी पत्नियां बताती हैं कि वो सफोला वाला आता है ना, तो डॉक्टर साहब को
कभी रेफ्रिजरेटर दे जाता है, कभी टेलीविजन दे जाता है, कभी डॉक्टर साहब और मुझे मिला के नेपाल की यात्रा करा देता है, कभी हमारे बच्चों के साथ हमको अफ्रीका की सफारी दिखा देता है। तो ये है चक्कर सारा कि एक तरह से किक बैक डॉक्टर साहब को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिल रही है, इसलिए डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं सफोला का तेल खाना। अब ये सफोला का तेल हमने लेकर टेस्ट किया लेबोरेटरी में, सूरजमुखी का तेल जो अलग अलग ब्रांड का है वो टेस्ट किया लेबोरेटरी में, दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कई डॉक्टरों को इसमें इंटरेस्ट हुआ कि बात तो ये गहरी है, इस पे काम करके देखना चाहिए। तो वो डॉक्टरों ने जो कुछ भी निकाल के दिया है रिसर्च के रूप में, है तो बहुत मोटा हिस्सा, अगर बात करूं तो बहुत दिन बीत जाएंगे, उसका निष्कर्ष एक वाक्य में बता देता हूं कि तेल में जैसे ही आप बांस को निकालेंगे और उसका चिपचिपापन हटाएंगे वो तेल ही नहीं रहता, तेल के सारे महत्वपूर्ण घटक निकल जाते हैं। और डबल रिफाइंड में तो कुछ भी नहीं बचता, डबल रिफाइंड तो बिल्कुल छूछ है, कुछ है ही नहीं उसमें, और आप उसको खा रहे हैं। तो तेल के माध्यम से शरीर को जो कुछ चाहिए वो मिलता नहीं। आप बोलेंगे जी तेल के माध्यम से हमारे शरीर को क्या मिलता है, मैं बार बार एक शब्द पे आपको ध्यान लाया, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये तेलों में से ही आता है आपके शरीर में। वैसे तो ये लीवर में बनता है लेकिन तेल खाएं तब, खाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं है। तो शुद्ध तेल आप खाएं तो आपके लीवर की मदद से HDL आपके शरीर में बेहतरीन स्थिति में रहे, और ये HDL ही है जो आज की रिसर्च बताती है जो वात को कंट्रोल कर सकता है, HDL ही है। तो आधुनिक विज्ञान का ये HDL और 3500 साल पहले के विज्ञान बागवत चिकित्सा का तेल, ये दोनों एक ही चीज है। तो आप शुद्ध तेल खाएं तो HDL अच्छा रहे, HDL अच्छा रहे जिंदगी में हार्ट अटैक आने की कोई संभावना नहीं, आप निसंकोच अपना जीवन बिताइए। फिर एक और महत्व की बात, हमने हमारे कुछ दोस्त लोग हैं इस अभियान में जुड़े हुए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, खासकर छत्तीसगढ़ में हमारे कुछ मित्र हैं। मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, चिकित्सा करनी है तो बागवट की करो। हाँ ठीक है करेंगे, तुम डॉक्टर बंद कर दो। हाँ बंद कर देंगे। तो ऐसे हमने कुछ हमारे दोस्त इकट्ठे किए जिनको बहुत ज्यादा समस्या है कोलेस्ट्रॉल की, बहुत ज्यादा समस्या है ट्राइग्लिसराइड की, बहुत ज्यादा समस्या है हाई बीपी की, ऐसे कुछ लोग इकट्ठे किए। और छत्तीसगढ़ में ये इसलिए किया कि छत्तीसगढ़ भारत में ऐसा एक राज्य है जहां शुद्ध तेल अभी भी मिलता है, गांव गांव में तेल निकालने वाली घाणियां हैं, आसानी से तेल उपलब्ध है, और आसानी से सरसों भी उपलब्ध है, मूंगफली भी उपलब्ध है। तो वहां करने का ये एक ही प्रयोजन था, और ये लगभग हम 3-3.5 साल से कर रहे हैं, अभी भी ये चालू है, हमारा काम बंद नहीं हुआ है। तो वहां हमने जिन जिन लोगों को शुद्ध तेल पर लाया उनका ये बंद करा दिया, रिफाइंड और डबल रिफाइंड, और शुद्ध तेल पर वो आते गए। अभी उनकी स्थिति यह है कि जब हम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और पुरानी रिपोर्ट लेके जाते हैं कि देखो 3 साल पहले इनकी ये रिपोर्ट थी, कोलेस्ट्रॉल इतना, ट्राइग्लिसराइड इतना, ये इतना, ये इतना, तो डॉक्टर कहता ये रिपोर्ट में तो 8 दिन के ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहिए, हार्ट अटैक आना ही चाहिए और मरना ही चाहिए, लेकिन आप बचे कैसे हैं, तो अब रिपोर्ट ये देख लो। आज की रिपोर्ट उनको दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि मिरेकल है, ये मिरेकल कुछ नहीं है, चमत्कार कुछ नहीं, बस एक ही है कि शुद्ध तेल खाया उन्होंने और जो तेल के घटक होते हैं वो भरपूर मात्रा में उनके शरीर को मिले, इसलिए उनके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम हुए, कोलेस्ट्रॉल लेवल माने VLDL LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुए, HDL उनका बहुत तेजी से बढ़ा, ब्लड प्रेशर उनका अपने आप कम हुआ, हार्ट अटैक आने की जो कंडीशन बनी हुई थी वो पूरी तरह से खत्म हुई। और अब इतना काम करने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि उनमें से 2 हमारे कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिनको हार्ट में भयंकर ब्लॉकेज थे, अभी चेक कराएंगे तो वो ब्लॉकेज भी नहीं मिलेंगे। ये आया रिपोर्ट और बागवट जी का देखकर फिर मैंने देखना शुरू किया। आप भी जरा पुरानी चीजें याद करिए, 20 साल पहले की, 25 साल पहले की, तो हमारे घरों में बहुत सारी चीजों में बहुत बार तेल का उपयोग होता था और तेल के साथ घी का उपयोग तो और भी ज्यादा होता था। तेल और घी एक ही कैटेगरी मान लें आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, वैसे
आयुर्वेद के हिसाब से दोनों अलग कैटेगरी हैं, लेकिन एक मिनट के लिए मान लें हम, कितने बार हम घी का उपयोग करते थे घरों में, शीरा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, बिना घी के बन नहीं रहा है, दाल में घी खा रहे हैं, रोटियों पे घी खा रहे हैं, सब्जियों में घी खा रहे हैं, और फिर सब्जियां तेल में बना रहे हैं। आप जरा कल्पना तो करिए, कितनी जगह तेल तेल तेल, कितनी जगह घी घी घी। और 40 साल पहले मैंने तो नहीं सुना, पता नहीं आपने सुना, मेरे पिताजी को मैं पूछता हूं कि कितने हार्ट अटैक होते थे, तो मेरे पिताजी कहते अपने परिवार में तो एक भी नहीं हुआ। शायद आप 40 साल पहले के अपने परिवारों को देखें तो आपको भी पता चलेगा किसी को नहीं हुआ। तो जब उतना हम तेल और घी उपयोग कर रहे थे अपने दैनिक जीवन में, हमको हार्ट अटैक नहीं हो रहे थे। ये पिछले 10-12 वर्षों में क्या ऐसा हो गया जो इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं? परसों किसी ने मुझे कहा कि 17 साल के एक बच्चे ने हार्ट का ऑपरेशन कराया अभी यहां चेन्नई में, अपोलो में या पता नहीं कहां। अब 17 साल की उम्र में आपको बाईपास करवाना पड़े, एंजियोप्लास्टी करानी पड़े, ये तो दुखद स्थिति है। और ये दुखद स्थिति बहुत दिन समझने के बाद पैदा हुई है रिफाइंड तेलों से, डबल रिफाइंड तेलों से। तो भागवत सूत्र के अनुसार आज मैं आपको विनती करता हूं कि जिंदगी भर वात की बीमारियों से अगर बचना है आपको तो तेल शुद्ध खाइए, तेल एकदम शुद्ध खाइए। अब आपका तुरंत अगला प्रश्न आएगा, जी चेन्नई में मिलता नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कहीं ना मिले। अर्थशास्त्र ये कहता है कि आप डिमांड खड़ी करो, हर चीज की सप्लाई होती है। जब रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल बिक सकता है तो शुद्ध तेल भी यहीं मिलेगा। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप ही आज संकल्प कर लें कि हम तो शुद्ध तेल ही खाएंगे, कल से देखना बहुत सारी यहां ऑयल मिलें लग जाएंगी, तेल निकालने वाली मिलें लग जाएंगी। और अब घाणी लगाना बहुत ही आसान है, पहले एक जमाना था जब घाणी लगाओ तो खर्चा बहुत होता था, अब तो 20-25 हजार रुपए की छोटी मशीन आती है और उसी मशीन में सब तरह के तेल निकल सकते हैं, अलग अलग मशीन भी लगाने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो घाणी भी लगा सकते हैं, वो तो 18-20 हजार की ही आती है, बैल से चलने वाली घाणी, वो अब महंगी नहीं रह गई है और बहुत आसानी से तेल निकल आता है। तो इसलिए आप तेल शुद्ध की तरफ बढ़ जाइए। और मैं आपको जो रिसर्च कहती है वो कह रहा हूं कि जिस तेल में चिपचिपापन जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए उतना ही उपयोगी है, जिस तेल में बास जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही उपयोगी है। सरसों के तेल के बारे में सारे डॉक्टर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो रिसर्च कर चुके हैं वो ये कहते हैं, सरसों के तेल का डब्बा मुंह पे लगाओ और जो आंख में से आंसू तुरंत ना निकले तो समझ लो वो नकली है। उसकी इतनी तेज बास आएगी कि आंख से आंसू निकल ही आएंगे, नाक चलना आपकी शुरू हो ही जाएगी। वो कहते हैं वो उसके शुद्धता की गारंटी है। तो आप इसको अपने जीवन में ध्यान रखें। वात के रोगों को जीवन भर चिकित्सा करनी है तो तेल की मदद से ही सबसे ज्यादा उपयोगी है। और तेल खाने के तरीके आप सब जानते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि सब्जी में कितना तेल डालना, दालों में या आपके दूसरे भोजन पकवानों में तेलों का किस तरह से उपयोग करना। मैंने ये देखा हिंदुस्तान में कि हमारे यहां तीज त्योहार होते हैं और हर तीज त्योहार में कुछ खास तरह के व्यंजन और पकवान बनते हैं। मैंने ये देखा है कि कुछ खास तरह के त्योहार में कुछ खास तरह का तेल उपयोग हो रहा है, दूसरे तरह के त्योहारों में दूसरे तरह का तेल उपयोग हो रहा है। उसके पीछे बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस, बहुत बड़ा विज्ञान। वो विज्ञान ये है कि जैसे मान लीजिए होली के आसपास के त्योहार, चैत्र के महीने के त्योहार, फागुन और चैत्र के महीने के त्योहार, अब फागुन और चैत्र के महीने के त्योहारों में जो जो पकवान बन रहे हैं आप उन पर अगर नजर डालें तो वो उस मौसम के हिसाब से बहुत ही अनुकूल है। दिवाली के आसपास के जो तीज त्योहार हैं नवंबर दिसंबर के या अक्टूबर नवंबर के, उनमें जो पकवान बन रहे हैं वो खास तरह के प्रिपरेशन है, बहुत गहरा विज्ञान। कभी मौका मिला तो इस पे अलग से ही बात करूंगा कि त्योहारों में पकाए जाने वाले जो व्यंजन है वो हमारे शरीर को किस तरह की मदद कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने माने महर्षियों ने ये देखा कि जीवन के दिनों में माने अगर ठंड के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोप ज्यादा है, बरसात के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोप ज्यादा है, गर्मी के दिन है तो शरीर में कौन सा प्रकोप ज्यादा, प्रकोप माने वात पित्त कफ, ये तीन ही तरह के, तो उनको संयमित रखने के लिए कौन सी चीजें प्रकृति ने दी है, तो व्यंजनों में वही चीजें डाली गई हैं।
जैसे अब मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट करता हूं, ये बात अमूर्त है लेकिन अब थोड़ी मूर्त करता हूं। सर्दी के दिनों में जितने भी त्योहार आप मनाते हैं या जितने भी त्योहारों में आप अपने जीवन को लगाते हैं, ये सब त्योहारों में आप देखो भोजन ज्यादा से ज्यादा आपके हिसाब से गरिष्ठ होता है। प्रिपरेशन कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आप तिल खा रहे हैं, सर्दी के दिनों में भरपूर तिल खाया जाता है और तिल के तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो अड़दिया खाया जाता है, अड़दिया दुनिया का इससे अच्छा शायद कोई पकवान ना हो, अड़दिया जिसको कहा जाता है, उड़द की दाल का बनता है अड़दिया। ऐसे ही राजस्थान के कुछ इलाकों में विशेष पकवान है, ऐसे उत्तर प्रदेश के इलाकों में कुछ पकवान है, लेकिन अगर महसूस करें तो ये सब भारी है, भारी गुरुत्व है इसमें। बागवट जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, गुरुत्व वाले पदार्थ माने भारी हैं, आसानी से नहीं पचते, धीरे धीरे पचते। अड़दिया तो आसानी से नहीं पचेगा, तिल की चीजें भी आसानी से नहीं पचने वाली हैं। लेकिन जिन दिनों में हम ये खा रहे हैं उन दिनों में शरीर के लिए यही अच्छा है कि कोई चीज आसानी से ना पचे, धीरे धीरे पचे, देर में पचे। क्यों? अब ये ठंडी के दिन होते हैं तो ठंडी के दिनों में शरीर में पित्त जो है ना थोड़ा कम होता है, पित्त थोड़ा कम होगा, वात ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा ठंड के दिनों में। अब कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कफ का असर हमारी जठर अग्नि पर है। अब कफ का असर जठर अग्नि पर है तो जठर अग्नि भी थोड़ी कम रहती है, थोड़ी, जो गर्मियों के दिनों में वो भड़कती है उतनी नहीं होती। तो अगर आपकी जठर अग्नि कुछ कम है, कफ के प्रभाव में है, तो आप भोजन भी ऐसे खाइए जो तुरंत पचने वाले नहीं है, धीरे धीरे पचने वाले हैं, ताकि जठर अग्नि उसके साथ मेल कर ले अपनी गति का। ऐसे समझ लो जठर की गति कम होती है तो खाया जाने वाला खाना भी कम गति से पचने वाला हो तो बहुत अच्छा है। तो सोच समझ कर ये तय किया गया कि सर्दी के दिनों में तिल खाना है, सर्दी के दिनों में मूंगफली खानी है, सर्दी के दिनों में गुड़ खाना है, सर्दी के दिनों में घी सबसे ज्यादा खाया जाता है। और आपने अक्सर वैद्यों से सुना होगा सेहत बनानी है तो यही दिन सबसे अच्छे हैं, माने खूब अच्छा अच्छा खाओ, और भगवान का दिया हुआ भी इन महीनों में भरपूर होता है, तिल भी इन्हीं महीनों में आते हैं, मूंगफली भी नई इन्हीं महीनों में आती है, चने भी इन महीनों में नए आते हैं। तो अच्छा खाना खाने का समय यही माना जाता है सर्दियों का, और अच्छा खाना वो जो गुरुत्व वाला है, गुरुत्व वाला वो जो थोड़ा धीरे 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 पचता है। तो कितना बड़ा मेल बिठाकर हमारे लोगों ने हमारे व्यंजनों को त्योहारों के साथ जोड़ा। गर्मी के दिनों में उल्टा होता है, गर्मी के दिनों में आपका पित्त भड़कता है, माने अग्नि तीव्र है, तो आप ऐसा खाना खाओ जो जल्दी हजम हो जाए। बारिश के दिनों में सम रहता है, पित्त जो है बहुत ही कम होता है, तो बारिश के दिनों में ये कहा जाता है कि भैया सबसे हल्का खाना खाओ बारिश के दिनों में, क्योंकि पित्त उस समय सबसे कम है। और कई बार तो कहते हैं जी एक ही बार खा लो तो अच्छा है बारिश के दिनों में, और जैन समाज वाले तो जानते हैं कि बारिश के दिनों के खाने में बहुत रिस्ट्रिक्शन है। क्यों जी? ऐसा खाना तो आप खा ही नहीं सकते जिसमें पानी बहुत हो, क्योंकि शरीर में ही पानी बहुत होता है उस समय, प्रकृति के हिसाब से शरीर चलता है। तो बारिश के दिनों में अक्सर आपने सुना है जैन साधु संतों के मुंह से कि हरा हरा पत्ती का सब्जी मत खाओ, हरा सब्जियां मत खाओ, ये वगैरह वगैरह। हरे पत्ती की सभी सब्जियां बहुत पानी भरी भरी, पानी शरीर में ही पहले से ज्यादा है क्योंकि बारिश में नमी ज्यादा है, तो आप ज्यादा पानी के शिकार होंगे, ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं है, कम पानी भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए साधु संत जो कहते हैं वो भी कुछ विज्ञान के आधार पर कहते हैं, बस अंतर इतना ही है कि हमारे दिमाग में क्यों इतना गहरा घुसा हुआ है कि जब तक क्यों एक्सप्लेन कोई नहीं करता हम ना उसकी बात सुनते हैं ना मानते। तो अपने देश में बागवट जी के अनुसार वात की चिकित्सा जिंदगी भर अच्छी रहे आपकी तो तेल शुद्ध खाइए, ये एक सूत्र। अब दूसरा सूत्र, वो कहते हैं कि पित्त की चिकित्सा, पित्त पित्त जिंदगी भर आपका ठीक रहे, आपको तकलीफ ही ना आए, तो कहते हैं देशी गाय का घी खाइए, पित्त को जिंदगी भर सम रखने के लिए। अगर कोई एक चीज उन्होंने बताई है सबसे अच्छी, वैसे तो उन्होंने सैकड़ों चीजें बताई, सबसे अच्छी तो उसकी ऊपर की श्रेणी में गिनती है घी। घी माने गाय का घी।
भैंस के घी के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए है जो कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ते हैं माने पहलवानी करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, पहलवानी करते हैं, वो घुमाते हैं, इनके लिए उन्होंने कहा है कि ये गाय का घी कभी ना खाएं, ये भैंस का ही घी खाएं, क्योंकि होना ही उनको भैंस के जैसा है। आपके लिए नहीं है, आप सदगृहस्थ हैं, ना आपको कुश्ती लड़नी है, ना आपको पहलवानी करनी है, ना आपको दंड बैठक लगानी है, ना आपको रेस जीतनी है, आपको तो जीवन अपना चलाना है ठीक तरीके से, तो आपके लिए है गाय का घी। और पहलवान जो कुश्ती लड़ रहे हैं, अखाड़े में दंड बैठक लगा रहे हैं, मुगदर घुमा रहे हैं वगैरह वगैरह, इनके लिए है भैंस का घी। भागवत जी कहते हैं कि वो अगर गाय का घी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, और आपने अगर भैंस का घी खाया तो आप तकलीफ में आएंगे। तो जिंदगी भर पित्त आपका ठीक रहे, पित्त से होने वाली बीमारियां ना हो, तो आप गाय का घी खाते रहिए। और तीसरी बात जो कहते हैं कफ, कफ को जिंदगी भर शांत रखना है, शमित रखना है, सम अवस्था में रखना है। तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई है, वैसे तो सैकड़ों हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूं, वो कहते हैं नंबर एक की चीज है कफ को शांत रखने के लिए, वो है गुड़। और ऑब्लिक करके उन्होंने एक चीज बताई है, शहद। तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं, जो नहीं खा सकते वो गुड़ खाएं। अब आप में से जो जैन सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं उनके लिए है गुड़, और जो जैन सिद्धांतों का पालन नहीं करते वो शहद भी ले सकते हैं। तो तीन चीजों की अब बात मैं कर रहा हूं, पहली चीज हो गई शुद्ध तेल, दूसरी चीज हो गई गाय का घी, और तीसरा हो गया गुड़। उल्टे से शुरू करता हूं, गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा, आधुनिक विज्ञान की जानकारी कुछ मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूं। कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में एक तत्व की बहुत कमी आ जाती है, वो है फॉस्फोरस। केमिकल है एक फॉस्फोरस। जब भी कफ बिगड़ेगा तो आप समझ लो आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी है, और फॉस्फोरस का एक छोटा भाई भी है आर्सेनिक। आर्सेनिक वैसे तो शरीर में ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि जहर है, लेकिन बहुत मामूली मात्रा में रहे तो फॉस्फोरस को ताकत देता है ये आर्सेनिक। फॉस्फोरस का कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक, ये केमिस्ट्री की बात है। अब आप समझ लीजिए कि कफ आपके शरीर में बढ़ गया, इसका माने फॉस्फोरस कम हो गया। तो भागवत जी ने कितनी इंटेलिजेंसी से चुना गुड़ खाओ। हमने गुड़ को जब टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो उसमें सबसे ज्यादा फॉस्फोरस ही है, गुड़ में सबसे ज्यादा फॉस्फोरस है। हालांकि उसमें थोड़ा मात्रा में आर्सेनिक भी है, लेकिन फॉस्फोरस उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है। और गुड़ जो बना है ना, किससे बना है? गन्ने के रस से। तो गन्ने के रस को टेस्ट किया तो पता चला गन्ने के रस में फॉस्फोरस है, लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा गुड़ में है। गन्ने के रस में भी फॉस्फोरस है लेकिन उससे ज्यादा गुड़ में है। तो क्या किया हमने, गन्ने के रस को गर्म किया। तो गर्म करने की जो प्रक्रिया है इसमें फॉस्फोरस घटा नहीं, बढ़ा। ये पता नहीं क्या अद्भुत विज्ञान है। तो बागवत जी ने ये नहीं कहा कि गन्ने का रस पियो, उन्होंने कहा गुड़ खाओ। गन्ने के रस को भी वो कह सकते थे क्योंकि फॉस्फोरस उसमें है, लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा बेहतरीन स्थिति का फॉस्फोरस गुड़ में है, जो सबसे जल्दी हजम होता है। ये गुड़ ऐसी अद्भुत चीज है जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है, एक दिन के बच्चे को। आज बच्चा पैदा हुआ, आप शाम को उसे गुड़ दे सकते हैं, आज ही दे सकते हैं। हाँ, तो आप जो है एक ऐसी स्थिति में है जहां आपके पास कई चीजें उपलब्ध हैं, उनमें से बागवती जी चुनकर दे रहे हैं कि देखो ये है। अब गुड़ बनाने के पहले एक और चीज बनती है जिसको मराठी में कहते हैं काकवी, तरल गुड़ कहिए उसको, तरल गुड़। राव कहते हैं कई लोग उसको, राव, राजस्थान में राव कहते हैं। वो ये कहते हैं कि गुड़ और राव में आपके पास अगर चॉइस है तो राव खाइए, वो गुड़ से भी ज्यादा अच्छी है। तो राव हमने बनवाई और उसको टेस्ट किया लेबोरेटरी में, तो गुड़ से बेहतरीन स्थिति का फॉस्फोरस राव में है। तो आपकी जिंदगी का इसको हिस्सा बना लीजिए, हिस्सा।
कफ की जिंदगी में तकलीफ कभी भी नहीं आए जो आप राव और गुड़ खाएं, ये आपकी